उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस दबिश के दौरान गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी निशा यादव की मौत के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इसके बाद उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए। यूपी के चंदौली में सैयद राजा थाना क्षेत्र में हुए पुलिस दबिश के दौरान युवती की मौत का मामला अब पूरे राजनीतिक रंग में ढल चुका है। पीड़ित परिवार के घर अब हर रोज विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह चंदौली पहुंचे। दोनों ने सैयद राजा के मनराजपुर स्थित पीड़ित कन्हैया यादव के आवास पर परिजनों से ही मुलाकात की। चंद्रशेखर ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। वहीं संजय सिंह ने पूछा कि पुलिस वालों पर अब तक हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए बताया कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो बेटियों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार का साथ देने के कारण हो सकता है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा ला दे, इससे भयभीत नहीं है। उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, जिसे वो खुद लीड करेंगे। लेकिन इतिहास लड़ने वालों को याद रहता है, कायरों को कोई नहीं याद रहता। बहादुरों में तू बहादुर दिखाइए। हाँ, बहादुर और बहादुरों की तरह रहो बेटा, समझियो, घबराना नहीं है। इतने भाई है ना, बाहर एक निकल कर कोई एहसास हो जाएगा। और जितने यहाँ है उसके चार गुना अगर दो घंटे यहाँ बैठ जाऊंगा मम्मा नहीं बेटा। हाँ, गुंजाइश एक गुंजाइश। हाँ बोलो, क्या बड़े भाई के सामने कोई रोता है? अभी देखिए बाहर इतने भाई आए हैं ना चंद्रशेखर जी के साथ, खाना को अभी फेंक देंगे, एकदम मजबूत तरीके। अच्छा भाई भी यही खड़े, फिर भी तो ये देख दी तो एक नहीं दो दो तीन तीन चार भाई है आपके, एकदम बताएगी। सुनना इधर देख, ओके भाई, इस बात का डर है। मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई, क्योंकि बिना जाने कुछ भी कहना ठीक नहीं, और जो मैंने जाना है वो बहुत दर्दनाक है। मुख्यमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, अब बेटी को न्याय देने की बात, तो 6 दिन से गिरफ्तारी क्यों नहीं? नट्टू सही आईडी, 50 पुलिस वाले, पिता जिला बदर हैं, बेटा थाने में, उसके बाद घर में घुस के क्या करने आए? बेटी की हत्या हुई है, हम न्याय चाहते हैं। और मुझे लगता है कि पुलिस जिनके ऊपर आरोप है अगर वही लोग जांच करेंगे तो फेयर नहीं हो पाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए सीबीआई जांच तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और जिन पे आरोप है उनकी गिरफ्तारी कब होगी मुख्यमंत्री जी बताएं, सरकार बताए कि ये सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है। हालात खराब है, परिवार तो खुद डर में है, ये नहीं पता कि बच्ची की मां कब दम तोड़ दे। वो बच्ची जो उसकी बहन है उसकी हालत खराब है, खुद कन्हैया जी बीमार। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दें, और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इनको खतरा है, इनकी जान भी जा सकती है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पुलिस अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए इनकी हत्या करा सकती है, इनके बेटे की हत्या करा सकती है। तो अगर ये लोग डर के सामने रहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? सरकार से मेरी मांग है कि सरकार जाति विशेष का जो है ना वो जो दिमाग में दंश है वो छोड़ के काम करे, उसी कड़ी में कन्हैया जी के परिवार को न्याय दे। और अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हमने तय किया है कि चंदौली मुख्यालय पे 72 घंटे के बाद धरना स्टार्ट होगा, और धरना अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और मैं खुद मौजूद रहूंगा चंदौली जनपद पे, मैं देखना चाहता हूं कि सरकार और पुलिस मिलकर बेटी को न्याय दिलाती है। चंदौली से लेकर ललितपुर तक क्या कहना है? सिर्फ ललितपुर तक नहीं, मथुरा तक, मथुरा नहीं गाजियाबाद तक। अभी मैंने खबर पढ़ी कि गाजियाबाद के पौस इलाके में एक घर में घुस के लूटपाट हुई, महिला की हत्या कर दी गई। फिर मथुरा में
रेप पीड़िता को पूरी रात थाने में बिठा जाता है। ललितपुर में आप देखें, एक तो थाने में दुष्कर्म होता है, उसके बाद एक महिला को बेल्टों से पीटा जाता है। कहाँ है बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में? ये कानून का राज है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। जहाँ बेटियां सुरक्षित, कहाँ ले जाएं बेटियों को? इन वैसी दरिंदों और पुलिस जो रक्षक से भक्षक बन गई है, अगर कोई पीड़ित होगा तो थाने जाएगा, और थाने में रेप होगा तो कहाँ जाएगा? कौन देगा न्याय? तो ये जो अन्याय है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया, गुंडा राज चल रहा है, और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण पुलिस में इतना बल कहां से आया कि घर में उसकी हत्या कर देते हैं या थाने में रेप कर लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनके साथ है, सरकार पीड़ितों की मदद करने की बजाय अपराधियों की मदद, और ऐसा कई बार हो चुका है। आज एक उत्तर प्रदेश में बेटियां बीजेपी से सुरक्षित नहीं, और सरकार के जो पुलिस है ना, इससे सुरक्षित नहीं। वहीं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस दबिश कांड में पुलिस का भयावह रोल है। देखिए, जो पूरी घटना अभी आदरणीय विजय यादव जी ने बताई, ये सीधे सीधे पुलिसिया आतंक, पुलिसिया गुंडई और हत्या का मामला है। इस घर में पुलिस के लोग लगभग 20-25 की संख्या में घुसते हैं, मारपीट करते हैं, निशा यादव जी की हत्या कर देते हैं। एक बेटी इतनी घायल होती है कि वो 5 दिन अस्पताल में रहती है, गुंजा जो दूसरी बेटी है, और इसके बाद पुलिस अभी भी इस पूरे मामले पर लीपापोती करने में लगी हुई है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें जो धारा लगाई गई है वो धारा लगाई गई है 304, यानी कि गैर इरादतन हत्या। आप एक संगठित गिरोह के रूप में पुलिस का दल लेके इस घर में आते हैं और एक बेटी की हत्या कर देते हैं, तो ये गैर इरादतन हत्या कैसे होगी? 302 का मामला दर्ज होना चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ, और जितने भी पुलिस के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती, इसका मतलब ये लीपा मुक्तोती और खाना पूर्ति करने का काम पुलिस कर रही है। अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, यहाँ पे बुलडोजर की राजनीति चला रहे हैं आदित्यनाथ जी। इन पुलिस वालों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा जिन्होंने एक हत्या को अंजाम दे दिया? उत्तर प्रदेश में पुलिस हत्या कर रही है, थाने में ललितपुर के अंदर एक गैंग रेप पीड़िता के साथ बलात्कार कर रही है, लूट कर रही है, आतंक का अड्डा बन गया है पुलिस का थाना। तो ऐसी स्थिति में न्याय के लिए कहां जाएगा आदमी? खाली ये बुलडोजर पर वाहवाही लूटने के बजाय आदित्यनाथ जी को कानून व्यवस्था कैसे सुनिश्चित होगी, इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप इस पूरे मामले में न्याय तब तक नहीं दे सकते परिवार को जब तक पुलिस की जांच करेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर चंदौली की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, और हमारी मांग है कल से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर 7 मई को हमारा प्रदर्शन है, और हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि चोर के खिलाफ चोर क्या जांच करेगा, पुलिस के खिलाफ पुलिस क्या जांच करेगी? जो लोग खुद अपराधी हैं वो जांच कैसे करेंगे? इसलिए पूरे मामले की हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए, और जो भी दोषी लोग हैं वो बाहर कैसे घूम रहे हैं। सैयद रजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर निवासी जिला बदर आरोपी कन्हैया यादव के घर पुलिस के दबिश के दौरान उनकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस पर मारपीट करने कन्हैया की पुत्री निशा यादव उर्फ गुड़िया को मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। इस मामले में निरीक्षक उदय प्रताप सिंह सहित कुल 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। वहीं एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया था कि पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण पता नहीं चला है। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि फॉरेंसिक जांच में मौत का कारण पार्शियल हैंगिंग है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडियो न्यूज 24। देश की हर शहर की
पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर, खबर जो नजरिया बदल दे।